आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 5 दिसंबर 1918 को एक नन्हे शिशु का जन्म हुआ, जिसके सुकोमल मृदुल चरणों का पावन स्पर्श पाकर मां धरती पुलकित हो उठी। इस पुत्र रत्न को पाकर पिता श्री सोहनलाल जी व माता श्रीमती भगवती जी धन्य हो गए। उन्होंने बच्चे का नामकरण किया यशपाल। बालक के यशस्वी बनने और उसका सुयश चतुर्दिक फैलने की कामना व संभावना उन्हें अनजाने में ही हो गई थी। संभवतः उन्हें पूर्वाभास था कि इस असाधारण बालक का आगमन ईश्वरी विधान के अंतर्गत विशेष उद्देश्य से मानवता के कल्याण के लिए हुआ है। इन्हीं महापुरुष के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालकर आज हम अपनी मन एवं वाणी को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व के रहस्यों को सही अर्थ में समझ पाना मानव मन मस्तिष्क की परिधि से बाहर है। आपका जीवन रहस्यों के आवरण में इस प्रकार आविष्टित था कि साधारण मनुष्य की बौद्धिक क्षमताएं इन रहस्यों के अल्पांश को भी समझ पाने में समर्थ नहीं है। आपकी प्रचंड आंतरिक शक्ति का किंचित आभास आपके गुरुदेव पूज्यवर श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज को हो गया था और उन्होंने पत्र द्वारा इस बात को संकेतित भी किया था। उन्होंने पत्र में लिखा था, क्या पता तुम्हारे रूप में परमात्मा हमें वो बालक दे रहा है जिसके बारे में परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया था कि ऐसा प्रेमी तुम्हें मिलेगा जो हमारा तुम्हारा व सब सद्गुरुओं का नाम ऊंचा कर देगा। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि सद्गुरु पूज्य भाई साहब जी का आगमन अर्थात अवतरण एक सामान्य घटना नहीं थी, अपितु विधि विधान से ईश्वरी सद इच्छा की योजना के अंतर्गत थी, जिसके विषय में महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज को पूर्वाभास हो गया था। परम सत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का पवित्र जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। आपके पूज्य पिताजी श्री सोहनलाल जी बुलंदशहर में मुंशरी थे। आपकी माताजी का नाम श्रीमती भाग्यवती देवी था। पिताजी श्री सोहनलाल जी का मुंशरिम का पद ऐसा था कि रिश्वत का पैसा बहुत बनाया जा सकता था, इसलिए लोगों की धारणा थी कि इस पद पर रहते हुए आपने बहुत धन इकट्ठा किया होगा। एक बार श्री सोहनलाल जी के एक मित्र ने बातों बातों में उनसे ये पूछ लिया कि मुंशरिम साहब आपने कितने मकान बना लिए। सोहनलाल जी ने कहा, 2 मकान। पूज्य भाई साहब जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक सामने बैठा है और दूसरा इससे छोटा है। इस मित्र को बड़ी हैरानी हुई कि मुंशरिम होते हुए भी एक भी मकान नहीं बनाया। मुंशरिम का काम ही ऐसा था कि अपना काम निकालने के लिए लोग खुद ही रिश्वत देने की कोशिश करते थे, परंतु पिता सोहनलाल जी इससे बचते रहे एवं सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हुए अपने पेशे पर आंच नहीं आने दी। आप उसूलों के पक्के थे, सुबह शाम संध्या वंदन नियमित रूप से किया करते थे। आपके दादा श्री लाला गंगाराम जी भी एक नेक दिल इंसान और शिव भक्त थे, झूठ नहीं बोलते थे। बिजनेस पार्टनरशिप में उनके हिस्से में किसानों के कर्जे व जमीन जायदाद के गिरवी रखे पेपर आए तो उन्होंने सभी कर्जदारों को गांव की पंचायत के समक्ष बुलाकर स्वेच्छा से कर्ज चुकाने का आग्रह किया और जितना मिला उसी को प्रभु कृपा समझ बचे हुए सारे कर्जनामों के पेपर पंचायत के समक्ष फाड़ दिए और कह दिया कि जो आज तक लेन देन था सब चुकता हो गया। कहते हैं मनुष्य को अच्छे संस्कार घर में ही माता पिता द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसके सहारे उसे जीवन गढ़ने में सहायता मिलती है। आपकी माता श्रीमती भाग्यवती देवी धर्मपरायण प्रियशील दया और करुणा का अवतार थी। उनके जीवन का मूल मंत्र था कर्म ही जीवन है और उन्होंने सदा इसका अनुसरण भी किया। सनातन धर्म में पली बड़ी होने पर भी आपने अपने पति के आर्य समाजी विचारों से कभी विरोध प्रकट नहीं किया। परिवार पर कितनी भी बड़ी आपत्ति आई हो उसका साहस व धैर्य हमेशा बनाए रखा। वे किसी बच्चे को मारना तो दूर
कभी हाथ तक नहीं लगाया। कभी बहुत नाराज होती तो कहती, ठहर जा तू, आने दे तेरे पिताजी को, उनसे शिकायत करूंगी। इससे ज्यादा कुछ न कहा। पूज्य भाई साहब जी को बेसन का लड्डू बहुत पसंद था। वे प्रातकाल रोज एक लड्डू खाने को देती। भोजन हमेशा अपने सामने बैठाकर कराती। चरण छूने पर हमेशा प्यार से आशीर्वाद सहित कमर पर हाथ फेरती, जो आत्मबल और उल्लास पैदा करता। जब समय मिलता वो रामायण का पाठ बड़ी भक्ति भाव से करती। अपनी गृहस्थी की संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा में भी उनकी रहनी सहनी पवित्र रही। उन्होंने सादा एवं सच्चरित्र जीवन पसंद था और पूर्ण रूप से शुद्ध कमाई के लिए समर्पित थी। इस प्रकार पूज्य भाई साहब जी के माता पिता संघर्षपूर्ण जीवन में कठिनाइयों से मुकाबला करते रहे, लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। श्री सोहनलाल जी की पहली दो संतानों की अकाल मृत्यु हो गई थी। इससे आपके मन में आशंकाएं पैदा होने लगी। आर्य समाज में आपकी पूरी आस्था थी। संतान प्राप्ति और उसके जीवित रहने के लिए एक आर्य समाजी सन्यासी ने आपको ब्रह्मचर्य पालन करने की सलाह दी। प्रभु की असीम दया कृपा से ऐसे महापुरुष, उच्च कोटि के संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज पूज्य भाई साहब जी का शुभ जन्म हो। श्री सोहन जाल जी पुत्र रत्न की प्राप्ति के 2 वर्ष बाद तक भी ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे, जिससे संतान को शुद्ध दूध की प्राप्ति होती रहे। श्री सोहनलाल जी बालक यशपाल को परमात्मा की धरोहर मानते थे। पूज्य भाई साहब जी के जन्म से ये सिद्ध हो जाता है कि उनके बुजुर्गों का आचरण बहुत ही उत्तम रहा होगा। पूज्य भाई साहब जी पर अपने माता पिता के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा। 4 वर्ष की आयु से ही आप परमात्मा का गुणगान करने लग गए थे। अपने पिता से सुनकर कई वेद मंत्र आपको कंठस्थ हो गए थे और आर्य समाज की विधि के अनुसार सारी पूजा वंदना की जानकारी भी आपको अपने पिता से प्राप्त हो गई थी। उन दिनों उर्दू का बहुत चलन और बोलबाला होते हुए भी उनके पिता ने स्कूली शिक्षा के लिए हिंदी माध्यम स्कूल ही ठीक समझा, क्योंकि उनकी मातृभाषा से विशेष स्नेह था, इसलिए उनको बुलंदशहर में डीएवी स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। यहां पर आप पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता गया। परमात्मा की सत्ता पर आपको पूरा विश्वास हो गया और उनको जानने की प्रबल इच्छा मन में उठने लगी। करीब 11-12 वर्ष की आयु में ही परमात्मा के बारे में आपके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। इस पर मनन के लिए समय की आवश्यकता थी, जो आपको मिलना संभव नहीं था। उस समय अध्ययन के लिए अधिक सुविधाएं नहीं थी, इसलिए अध्ययन से समय बचा पाना संभव नहीं था। बिजली का प्रचलन तब तक बुलंदशहर में नहीं था। आम घरों में मिट्टी के तेल से गुप्पी या लालटेन जलाई जाती थी, परंतु आपके घर में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता था। रात्रि में पढ़ाई का यही साधन था। आपको 9 बजे के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता था, प्रातःकाल 4 बजे जगा दिया जाता था। आप सुबह सूर्योदय होने से पूर्व ही नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त हो जाते थे। 1936 में आपने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। विषय थे इंग्लिश, हिंदी, गणित, साइंस और भूगोल। हिंदी में आपका डिस्टिंक्शन था। आपने इंटरमीडिएट NREC कॉलेज खुर्जा से किया और इस अवधि में आपके पूज्य पिताजी ने अपना ट्रांसफर खुर्जा ले लिया था। BA प्रथम वर्ष में आपकी भूगोल में डिस्टिंक्शन आई। आप खेलों में भी विशेष रुचि रखते थे। हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल आपके प्रिय खेल थे। हॉकी और वॉलीबॉल में कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया करते थे। आपने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की टेलीग्राफिस्ट पद की सबसे अच्छी पोस्ट के लिए आवेदन किया। आपने ऑप्शनल टेस्ट नहीं दिया, फिर भी आपका नाम चुने गए 14 अभ्यर्थियों में आ गया। ट्रेनिंग पीरियड के बाद पोस्टिंग आगरा में मिली। आपने अगस्त
1940 में सरकारी नौकरी प्रारंभ की। इसी दौरान सन 1942 में आपको अपने सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी परम पूज्य दद्दाजी महाराज का प्रथम दर्शन प्राप्त हुआ। आपके चाचा जी पूज्य श्री मोहन लाल जी पेशकार साहिब एक सत्संग कार्यक्रम में आपको अपने साथ ले गए, जहां की आपको पूज्य दद्दाजी महाराज का दर्शन लाभ सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। इसी अवसर पर आपके चाचा जी ने आपको उपदेश दिलाने के लिए प्रार्थना की, तो पूज्य दद्दाजी महाराज ने आपके विषय में कहा, हाँ पेशकार साहब, हमारी निगाह है, अभी तो इसके खेलने खाने के दिन है, आप चिंता न करें, मालिक चाहेगा तो अपने आप जब समय आएगा तो आ जाएगा, हमारी नजर है। दर्शन के पश्चात आप आगरा रवाना हुए और जीवन सामान्यता चलता रहा। सन 1943 में आपको इंजीनियरिंग सुपरवाइजर की परीक्षा में बैठने की इजाजत मिली। तैयारी के लिए एक माह की छुट्टी ली, किंतु 21 दिन तक तो बुखार में ही पड़े रहे, परीक्षा से 2 दिन पहले चलने लायक हो पाए। ऑफिस ज्वाइन किया और परमात्मा का नाम लेकर परीक्षा में बैठे। पास होने तक की उम्मीद नहीं थी, परिणाम आने पर आपको ज्ञात हुआ कि आप कंपटीशन में आ गए हैं और आपको पूर्ण विश्वास हो गया, ये तो परमपिता परमात्मा की कृपा ही है और आपका हृदय ईश्वर की गहरी याद में डूब गया। कुछ समय बाद आपका तबादला कलकत्ता सीटीओ में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर मेंटेनेंस के पद पर हुआ। 16 अगस्त 1946 को वहां पर डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। इस दिन पूरे इलाके में भारी हिंसा और खून खराबा हुआ। इस भयंकर व भयावह वातावरण में किसी तरह दफ्तर पहुंचे तो देखा कि सभी मुस्लिम स्टाफ मेंबर्स अनुपस्थित थे। कुछ ही देर में तार द्वारा समाचार मिलने लगे कि हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। चारों तरफ मारकाट और हाहाकार मच गया। इन समाचारों को पढ़कर बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप सोचने लगे कि घर पर अकेली पत्नी व बच्चों पर क्या बीत रही हो। आप दफ्तर में 2 रोज लगातार रात और दिन काम करते रहे और घर की खबर न ले सके। इस घटनाक्रम से आपके मन एवं मस्तिष्क में मनुष्यहीनता, मनुष्य की गिरावट, संसार की नश्वरता एवं मनुष्य जीवन के वास्तविक ध्येय आदि के बारे में अनेकों विचार बिजली की तरह कौंधते रहे। आपने हिंसा का जो पार्श्विक रूप देखा, उससे ये विचार पक्का हो गया कि मनुष्य सबसे अधिक खुद को ही चाहता है, और ये भी विचार पक्का हो गया कि मानव जीवन का मकसद केवल संसार में कीड़े मकोड़ों की तरह आना, जानवरों की तरह रहना और उन्हीं की तरह मर जाना ही नहीं है। आपके मन में रह रहकर ये विचार उठने लगे, मैं किधर जाऊं, मेरा सही रास्ता किधर है, वही प्रश्न जैसे नचिकेता और मैत्रेय के हृदय में उठे थे। इन्हीं विचारों में उलझे हुए 3रे दिन आप घर वापस पहुंच सके। ये देखकर कि घर पर सब कुशल से हैं, मन को तसल्ली हुई और ईश्वर का धन्यवाद अदा किया। इन विभत्स घटनाओं के कारण सभी अपने अपने घर कलकत्ता छोड़कर जा रहे थे। आप भी छुट्टी लेकर बड़ी ही कष्टमय व दयनीय स्थिति में कलकत्ता से चलकर मुरादाबाद पहुंचे। कलकत्ता से आने के बाद आपका मन बहुत उदास रहने लगा। ये देखकर आपके चाचा श्री मोहनलाल जी ने पूज्य दद्दाजी महाराज को पत्र लिखकर आपके ट्रांसफर के लिए प्रार्थना की। प्रभु कृपा से एकाएक आपका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। आपके मन में उन दिनों काफी उथल पुथल चल रही थी। आप अपने छोटे भाई से पूज्य सदगुरुदेव जी के विषय में चर्चा करते रहते तथा संत पत्रिका श्री रामचरित मानस एवं श्री भगवत गीता का नियमित रूप से स्वाध्याय करने लगे। जब आप दशहरे के सत्संग में चाचा श्री मोहनलाल जी के साथ सिकंदराबाद में पूज्य दद्दाजी महाराज से पुनः मिले तो दद्दाजी महाराज ने फरमाया कि बेटा तुम आ गए, खुश
खुश रहो, तुम्हारा ही इंतजार था। दिनांक 12 अक्टूबर सन 1948 दशहरे के दिन पूज्य दत्ताजी महाराज ने आपको उपदेश देते हुए फरमाया कि शुरू शुरू में बहुत कष्ट है, उन्हें बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारा आखिर बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अभ्यास किया है पर तुमको उसका पता नहीं है। उपदेश देते समय आपकी आत्मा बहुत ऊपर खिंच गई। जब होश आया तो पूज्य दत्ताजी महाराज को चिंता हुई कि कहीं कपड़ा ही न फट जाए और कहा कि हमारी तवज्जह बहुत सूक्ष्म होती है जो सीधे आत्मा पर जाकर असर करती है, मालिक से बड़ी आशाएं हैं। सिकंदराबाद से दिल्ली वापस आने के बाद पूज्य दत्ताजी महाराज की आज्ञानुसार आप बाबू गिरवर किशन साहब जी से मिलने तिमारपुर गए। वहां बुजुर्गों एवं पूज्य दत्ताजी महाराज की चर्चा हुई एवं तीव्र ध्यान की अवस्था में घर वापस आए। रात्रि में भोजन न करके केवल दूध पीकर ध्यान की एकाग्रता में बैठ गए। आज्ञा चक्र पर तीव्र गुलगुलाहट होने लगी एवं एक तीव्र धारा सिर की ओर बहने लगी। जीभ की नोक उलटकर तालुए से लग गई। सिर की नसों के फड़कने के साथ एक अजीब शांति व आनंद की रसना चित्त मन व बुद्धि में उतरती व डूबती मालूम हो रही थी। इतने में प्राण ऊपर की ओर खींचने के साथ आंखें ऊपर खिंच गईं, जबान उलटकर अंदर की तरफ खिंच गई और आनंद के समुद्र में आपको होश न रहा। आपके शरीर से एक छोटा एवं हरे रंग का शरीर निकलकर गुरुदेव जी के सामने जा टिका। आपको एक दिव्य प्रकाशवान अद्भुत महापुरुष के दर्शन हुए और साथ ही हृदय से जय सतगुरुदेव जय पच्छर्णम का जाप स्वयं प्रारंभ हो गया। अनंत समुद्र में जाकर सूक्ष्म शरीर से प्रकाशित आत्मा ऊपर उठी एवं संसार के समस्त प्राणियों व वस्तुओं में समा गए। पशु पक्षी स्त्री पुरुष संसार की हर वस्तु पहले से अधिक प्रकाशयुक्त तथा सजीव हो उठी। ऐसी अवस्था में आपकी गर्दन निर्जीव सी एक तरफ झुक गई और इस बेहोशी को देखकर पूज्य माताजी घबरा गई। काफी हिलाने डुलाने के बाद भी होश न आया और सांसों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया और नब्ज भी बंद थी। अगर बदन गर्म न होता तो शायद माताजी चीख उठती और आस पड़ोस में शोर मच जाता। ऐसे समय में परमात्मा की कृपा से पूज्य माताजी के मन में ये बात उतर गई, अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो इनका अनिष्ट नहीं हो सकता। फिर किस प्रकार आपकी आत्मा शरीर में वापस आई इसका होश नहीं रहा। इस अनुभव के पश्चात आपके ध्यान आनंद और शांति का पारावार न रहा। इन अनुभवों को पत्र द्वारा पूज्य दत्ताजी महाराज को आपने सूचित किया। इस प्रकार पूजा प्राप्त करने के 12 दिनों के अंदर ही पूज्य दत्ताजी महाराज का पत्रोत्तर था, बेटे ये मार्ग ही हृदय के विकास और प्रेम का है। जब मालिक की असीम दया व कृपा होती है तभी ये आत्मिक उड़ान व उत्थान प्राप्त हुआ करती है। सचमुच जितना ही विश्वास व प्रेम जिसके दिल में गुरु से होता है उतनी ही उसकी उन्नति तथा आत्मिक चढ़ाई स्वयं ही हुआ करती है। क्या पता है कि परमात्मा तुम्हारे रूप में ही वे बालक हमको दे रहा है जिसके बारे में हमारे फतेहगढ़ वाले महात्मा जी ने फरमाया था कि एक ऐसा प्रेमी तुम्हें मिलेगा जो हमारा तुम्हारा सबका नाम ऊंचा कर देगा। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह अपना सच्चा प्रेम व ज्ञान प्रकाश आपको प्रदान करे। आपको अपने सतगुरुदेव जी का यह पत्र पाकर अपार हर्ष हुआ। प्रत्येक शब्द प्रकाश युक्त लग रहा था एवं प्रकाश हृदय व मस्तिष्क में समा रहा था। उस दिन रात्रि में 12:30 बजे आपकी एकाएक आंख खुली तो अनोखी बांसुरी की तान आकाश से उतरती हुई मालूम हुई एवं उसी आनंद में हृदय तान के साथ कूदने लगा। आपको ऐसा अनुभव हुआ एक हल्की सी आवाज कह रही हो,
क्या तू इसे साधारण बांसुरी की तान समझता है? ये तो श्री कृष्ण के स्वयं मुखारविंद से बजाई हुई बांसुरी की तान है। आप अपनी साधना एवं स्वप्नों के विषय में अपने पूज्य सद्गुरुदेव जी पूज्य दादाजी महाराज को पत्र द्वारा सूचना दिया करते थे। आपके एक स्वप्न की सूचना के पत्रोत्तर में श्री दादाजी महाराज ने लिखा कि आपने जो स्वप्न दादा गुरु महाराज परम संत महात्मा मौलाना फजल अहमद खान साहब कुदसुरू के संबंध में रेल से सफर करते समय मैदान में भीड़ के संग देखा है बहुत ही सुंदर है और ये खुशकिस्मती से ही दिखाई देता है। जब अपने सदगुरुदेव से प्रेम इतना बढ़ जाता है कि दोनों आत्माएं एक हो जाती हैं, तब मुक्त आत्माओं के दर्शन भी स्वप्न आदि में सुंदर रूप से हुआ करते हैं। आपका झुकाव अपने गुरुदेव व सत्संग के प्रति इतना अधिक हो गया था कि आपने अपनी नौकरी से त्याग पत्र तक दे डाला और श्री दद्दाजी महाराज की सेवा में हाजिर हो। ये ज्ञात होने पर कि आपने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है, पूजले दद्दाजी महाराज ने फरमाया, गो इमीडिएटली ज्वाइन ड्यूटी एंड वायर, जल्दी जाओ नौकरी पर हाजिर हो और तार से इत्तला दो। आप लौटकर दफ्तर गए तो आपके डीईटी साहब बहुत खुश हुए और दो अर्जी, एक अपना काम संभालने की और एक तार को रद्द करने तथा इन दिनों का अवकाश स्वीकृत कर देने के लिए कहा। आपने ये दोनों अर्जी अपने तात्कालिक अफसर को दी। तब डीईटी साहब ने चाहा कि ये भी लिखा जाए कि तार गलती से भेजा है, जिसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हैं। इस पर आपने कहा कि आई विल नॉट राइट लाइक दैट, आई हैव गिवन द टेलीग्राम विद केयरफुल थॉट एंड नाउ सिंस माई गुरुदेव वॉन्ट्स मी टू ज्वाइन ड्यूटी आई एम रिपोर्टिंग माई सेल्फ। ऐसा ये हरगिज नहीं लिखेगा क्योंकि तार इसने बहुत सोच समझ कर दिया है और अब क्योंकि श्री सदगुरुदेव जी की आज्ञा है इसलिए नौकरी पर हाजिर हुआ हूं। इस पर डीईटी साहब ने फरमाया कि तुम जाओ और काम करो। आपके इस प्रकार के सत्यनिष्ठ आचरण और अडिग निर्णय का आपके उन अफसर पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे आपको कभी भी सत्संग कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए छुट्टी देने में नहीं झिझकते थे। पूरे कार्यकाल में आपने अपने सदगुरु परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज का आशय समझकर दो बार नौकरी से त्याग पत्र दिया था तथा उन्हीं की आज्ञा से पुनः ज्वाइन भी किया। बावजूद इसके उन्हें विभागीय पदोन्नतियां मिली और उसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पद से दिसंबर 1976 को सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद आपको यह स्पष्ट हो गया कि अब जो भी आध्यात्मिक उन्नति आपको करनी है वे नौकरी में रहते हुए आजीविका को सुचारू रूप से चलाते हुए ही करनी है। कुछ समय बाद आपका स्थानांतरण जबलपुर कर दिया गया। गुरुदेव की कृपा और आपकी सच्ची निष्ठा के चलते यहां भी आपने अपनी साधना जस की तस जारी रखी। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जबलपुर के देवताल स्थित एक दुर्गम पहाड़ी पर एक शिला पर अपना आसन जमाकर साधना किया करते थे, जिससे कि आपकी साधना को और अधिक बल मिला। जैसा कि वेदों में भी बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना सर्वोत्तम समय है। आपने इस समय का पूर्ण सदुपयोग किया। इस पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता बड़ा जटिल था, खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता जिसमें सांप व बिच्छू जैसे अन्य जंगली जीव जंतु का खतरा बना रहता था, परंतु आप निर्भीक होकर वहां जाते थे, अपनी साधना करते थे और सूर्योदय होने से पहले ही वापस लौट आते और अपनी दिनचर्या में लग जाते थे। आप सन 1951 से लेकर सन 1956 तक जबलपुर में कार्यरत थे और इन 5 वर्षों में आपकी साधना इस शिला पर नियमित रूप से चलती रही। ये सिद्ध स्थान वर्तमान में संत यशपाल साधना शिला के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक रविवार सत्संगी भाई बहनों द्वारा यहाँ सत्संग किया।
कराया जाता है। 4 जून 1951 को पूज्य दत्ताजी महाराज ने आपको इजाजत देते हुए फरमाया, आज हम यशपाल को इजाजत देते हैं, इस अजीत से उम्मीद है कि जहां जाएगा और परमात्मा चाहेगा तो हर जगह नया सत्संग कायम करेगा। जमे जमाए सत्संग को चलाना आसान काम है, परंतु नया सत्संग कायम करना हिम्मत की बात है। परमात्मा चाहेगा तो इस अजीत से मिशन को काफी तरक्की मिलेगी। ईश्वर मालिक है। दद्दाजी महाराज जब भी कभी जबलपुर पधारते, आप उनकी सेवा में पूरी तरह तत्पर रहते तथा उनकी हर एक जरूरत का पूरा पूरा ख्याल रखते। उनके उपयोग हेतु स्वच्छ और मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए आप स्वयं 2.5 किलोमीटर दूर स्थित देवताल साइकिल से जाते और वहां का पानी उनके लिए लेकर आते थे। दिसंबर 1954 जबलपुर सत्संग कार्यक्रम के दौरान सत्संगी भाइयों से मुखातिब होते हुए पूज्य दद्दाजी महाराज ने फरमाया, आप सब यहाँ यशपाल के पास सत्संग के लिए आया करें और बैठा करें, ईश्वर चाहेगा तो लाभ होगा, ईश्वर मालिक है। आपने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, आप इसको लड़का ना समझें, ये चाहे तो आप जैसे 25 आदमी को लोटन कबूतर की तरह लुढ़का दे। भगवान और बुजुर्गों ने इसमें वो सिफ्त पैदा की है कि जो इसके संपर्क में आएगा मालिक से लग जाएगा, और जो आत्मसमर्पण के साथ सोहबत करेगा अहले औलिया संत परम संत बन जाएगा। लेकिन इनको तनिक भी इसका एहसास नहीं है कि इनके पास क्या है। लगभग 1 माह बाद आने वाली भावी घटनाओं के बारे में सच्चे पथ प्रदर्शक का ये मार्गदर्शन था। परम पूज्य परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज के 17 जनवरी 1955 को पूर्ण समाधि ले ली। अपने गुरुदेव की समाधि ले लेने के पश्चात पूज्य भाई साहब जी महसूस करने लगे कि पता नहीं आगे क्या होगा। आप उस समय जबलपुर में थे। सभी सत्संगी भाइयों से आपने कहा, अब वो तो गए पर उन्होंने जो रास्ता दिखलाया है आप सब अपने घर पर बैठकर उस तरीकत से अभ्यास करें, रविवार का सत्संग अब नहीं होगा। 2 दिन के बाद रात्रि में आपको महसूस हुआ कि पूज्य दद्दाजी महाराज सशरीर आए और झझोर कर नाराजगी के साथ कहा, क्या तू मेरा काम नहीं करेगा? तब आपको विश्वास हो गया कि सदगुरुदेव पूज्य दद्दाजी महाराज मौजूद हैं और आपके साथ हैं। आपने पुनः यथावत रविवार का सत्संग चलाना शुरू कर दिया। अगले वर्ष जनवरी 1956 में पूज्य दद्दाजी महाराज की पुण्यतिथि पर मुंबई में सत्संग आयोजन प्रस्तावित था। परमात्मा की कृपा से ठीक इसी समय पीएनटी की एक कॉन्फ्रेंस में रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए पूज्य भाई साहब जी को मुंबई जाना पड़ा और सत्संग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जिस रोज सत्संग होने वाला था वहां के एक सत्संगी भाई ने कहा, भाई साहब हमने एक सपना देखा है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि गुरु महाराज स्टेशन पर आए हुए हैं, आप उन्हें जाकर ले आइए। और मैं सीढ़ियों से उतरता हूँ, सड़क पर जाकर देखता हूँ कि आप खुद ही उन्हें लेवा कर ला रहे हैं, तो मैं स्वप्न में आपसे कह रहा हूँ कि भाई साहब आप मुझसे कह रहे हैं कि गुरु महाराज को लेवा लाओ और खुद ही उन्हें लेवा लाए हैं। ये सपना सुनने के बाद जो थोड़ी बहुत झिझक थी वो दूर हो गई तथा उन्हें विश्वास हो गया कि काम करने कराने वाला कोई और है, आप नहीं। उसके बाद सत्संग हुआ और बड़ी फैज की वर्षा हुई। जो लोग वहां आए थे उन्होंने कहा कि कोई अंतर नहीं है, पूज्य दद्दाजी महाराज की मौजूदगी में जैसा था वैसा ही है, कोई अंतर नहीं। जब आपने दद्दाजी महाराज के निर्वाण के बाद उनकी आज्ञा से सत्संग कराना आरंभ कर दिया तब आपके गुरु भाइयों श्री प्रेमचंद जी मित्तल, श्री चौधरी श्री राम जी, श्री प्यालेलाल गुप्ता जी,
एवं श्री जगमोहन स्वरूप माथुर जी आदि ने आपके साथ सौहार्दपूर्ण समर्पण भाव से साथ रहकर सत्संग मिशन के कार्य में भरपूर सहयोग किया व आध्यात्मिक लाभ उठाया। इनमें से कुछ गुरु भाइयों ने तो आपसे प्रार्थना कर दोबारा बैर प्राप्त की ताकि नेक नियत से लगे रहे। अगस्त 1956 को आपका तबादला दिल्ली हो गया। दिल्ली में किसी जमाने में जो सत्संग होता था फिर दोबारा शुरू हुआ, सिर्फ 3 सत्संगी भाइयों के साथ सत्संग प्रारंभ हुआ और नए नए लोग आने शुरू हो गए। उस समय के हालात देखते हुए दद्दा जी महाराज की याद में शांति पाठ कराने की आपकी ख्वाहिश हुई। पुराने भाइयों के सामने ये तय हुआ कि अक्टूबर 1956 में एक सत्संगी भाई का क्वार्टर जो कि राष्ट्रपति भवन में था वहां शांति पाठ रखा जाए। इरादा शंभू शामियाने लगवाने का था। प्रोग्राम से एक दिन पहले आप एक सत्संगी भाई के मकान पर बैठे बात कर रहे थे। वर्षा जोरों पर थी, नाकामी नजर आ रही थी। इसी बीच ऐसी लहर दौड़ी कि सबकी आंखें मिच गईं। बुजुर्गों का अनोखा फैज शुरू हो गया। थोड़ी देर में आपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को गरम कुर्ता और सफेद धोती पहने हुए कमरे में प्रवेश करते देखा। आंखें खुली तो विश्वास हो गया कि प्रोग्राम अवश्य होगा और बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही अनुभव पूज्य माताजी ने भी किया। एक क्वार्टर जिसमें 2 कमरे और एक बहुत बड़ा बरामदा था तथा एक छोटा मकान सत्संग हेतु मिला। सत्संग हुआ और बुजुर्गों का बड़ा फैज बरसा। पुराने भाइयों का यह मत था कि शांति पाठ में वही आनंद था जो लखनऊ भंडारे में मिलता था। सत्संगी भाई चौधरी श्रीराम जी की कुटिया के पास वाले मैदान में राष्ट्रपति भवन में 1958 से 69 12 वर्ष तक रामनवमी का भंडारा होता रहा। अकस्मात 1969 में महामहिम राष्ट्रपति जी की बेगम साहिबा ने इस बात पर एतराज जाहिर किया। ऐसी स्थिति में किसी भी भगवत प्रेमी को विघ्न या अड़चन न पड़े इसके लिए आपने मूक निश्चय किया कि क्यों न अपनी जगह ले ली जाए। मुहिम शुरू हुई। इस दुर्लभ ब्रह्म विद्या को यथावत सदगुरु के उपदेशों के अनुसार प्रचार व प्रसार के हेतु आपने अखिल भारतीय सत्संग की स्थापना की। उस समय बहुत कम लोग थे। जब आपने संस्था का नाम अखिल भारतीय सत्संग रखा तो कुछ भाइयों ने पूज्य भाई साहब जी का परिहास उड़ाया कि इतने कम लोग और नाम अखिल भारतीय सत्संग, ये तो उनकी दूरदृष्टि एवं दृढ़ विश्वास का ही फल है कि आज अखिल भारतीय सत्संग का यह स्वरूप आप सभी के सामने है। इसका उद्देश्य गृहस्थ साधकों के लिए गृहस्थी के सारे कार्य धर्मानुकूल करते हुए साधना की सहज विधि द्वारा आत्म साक्षात्कार के दर्जे तक पहुंचाना है। 4 अगस्त 1969 को संस्था का पंजीकरण हुआ और भूमि की तलाश प्रारंभ हुई। दिल्ली के समीप अनंगपुर गांव में भी जमीन देखी गई। जब दूसरी बार उसे सायंकाल के समय देखा वहीं विश्राम तथा भोजन किया। आपने सायंकाल की संधि बेला में पहाड़ी पर परमपिता परमात्मा का ध्यान किया। आंतरिक सत्संग हुआ। उस एकांत में, उस ध्यान में, उस भूमि ने उनका मूक आवाहन किया और वो भूमि ले ली गई, रजिस्ट्री कराई गई। आपने फैसला किया क्यों ना भंडारा उसी वर्ष 1969 में यहां पर किया जाए, परंतु ना यातायात की सुविधा थी और ना पानी था। बिना पानी के गर्मी में रहना व खाना पीना कैसे संभव हो, परंतु निश्चय अटल था। जब पहला भंडारा आयोजित किया गया प्रोग्राम छप गए, बट गए, भंडारे का समय नजदीक आने लगा। एक तो जगह खुदाई की गई और खुदाई करने पर पत्थर आ जाते। इंजीनियर परेशान, करें तो क्या करें। भाई साहब जी परेशानी के आलम में थे, कुछ दिनों में भंडारा होना है, सभी सत्संगी भाई बहन और बच्चे आ जाएंगे, पानी के बिना तो 200-250 आदमियों को
कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपने प्रियजनों को परेशानी एक संत का हृदय कहां बर्दाश्त करता। वे स्वयं इस भंडारा स्थल पर पहुंचे और वहां बैठकर प्रभु की गहरी याद में चले गए और प्रभु याद में अश्रुधारा बहाते रहे। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और आपने सिलसिले के बुजुर्गों और परमपिता परमात्मा के ध्यान में समाधिस्थ होकर एक निशान लगाया और कहा कि यहां खो दिए, मालिक चाहेंगे तो पानी अवश्य मिले। और खुदाई शुरू हुई। 12 से 14 फीट खोदने के पश्चात पानी मिल गया। खुदाई चलती रही और 3-4 फुट पानी कुएं में आ गया। 7 स्रोत मिले। भक्तजनों के हर्ष का पारावार न रहा। हमारी एक सत्संगी बहन भगवती देवी, जो गंगा तट की रहने वाली थी, जब भंडारे पर पधारी और जलपान किया तो फरमाने लगी, हे गंगा माई, तू यहां कैसे आ गई? एक सत्संगी बाई ने ये बात सुनी तो खट से जल बोतल में भर लिया और एक माह बाद रिपोर्ट दी कि पानी में कोई विकार पैदा नहीं हुआ। इसके बाद तो भाई लोगों ने इस पानी को वर्षों तक रखकर देखा तो ठीक गंगाजल की भांति पवित्र मिला। ये सूचना परम पूज्य भाई साहब जी को दी तो उन्होंने परमात्मा और बुजुर्गों का धन्यवाद दिया। उस जल से पूरे भंडारे का कार्यक्रम अनंगपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भंडारा जमीन और उसमें ये कुआ प्रभु का वरदान है। जल कितना स्वादिष्ट, हल्का और हाजिम है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दुनिया में ये तीसरा जल है जो कभी खराब नहीं होता। पहले दो हैं, गंगा जल और आबे जमजम। 13वां भंडारा जो इस कुंवारी भूमि पर आयोजित हुआ पिछले वर्षों से भी बढ़कर हुआ। अनंतपुर की ये जमीन ऐसी नहीं थी कि जहां सभी संसाधन आसानी से उपलब्ध हो। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ पथरीली पहाड़ियां और झाड़ियां ही नजर आती थी। पानी की एक बूंद तक उपलब्ध न थी। पूज्य भाई साहब जी के आह्वान पर सत्संगी भाइयों और बहनों ने अपने अथक प्रयासों से इस जगह को दिनों दिन बेहतर से बेहतर बनाया। भाई बहनों ने भरी भारी गर्मी में तपती धूप के नीचे मानव श्रृंखला का निर्माण कर पथरीली जमीन से बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर उस जमीन को समतल बनाने का दुष्कर कार्य किया, जिससे कि वहां सहजतापूर्वक सत्संग किया कराया जा सके। इतनी संख्या में आए लोगों के भोजन की सामग्री वहां तक लाना, भोजन तैयार करने से लेकर सुरक्षा के इंतजाम तक हर एक छोटा बड़ा कार्य हमारे सत्संगी भाई बहनों ने ही निस्वार्थ भाव से किया। ये परम पूज्य भाई साहब जी की दूरदृष्टि और सत्संगी भाइयों के पुरुषार्थ और श्रमदान का ही परिणाम है जो एक पथरीली पहाड़ी जमीन को अनुपम शांति व आनंद प्रदान करने वाले आश्रम का स्वरूप प्रदान कर दिया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसे स्थान पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर लोग वहां 3-4 दिन रहकर सुगमता से सत्संग कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। कुछ ही वर्षों में अनंगपुर आश्रम का ऐसा स्वरूप हो गया था कि सत्संगी भाई परिवार और बच्चों को भी सत्संग में साथ लाने में असुविधा महसूस नहीं करते थे। वार्षिक भंडारे में सत्संग और शांति पाठ के साथ साथ बच्चों की महफिल का एक विशेष कार्यक्रम भी होना आरंभ हुआ, जिससे कि बच्चों का भी उत्साह सत्संग में बने और वे भी सत्संग के वातावरण में घुल मिल सके। धीरे धीरे भंडारे में सम्मिलित होने वाले भाई बहनों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी और साथ ही साथ आश्रम का विकास भी प्रतिवर्ष और अधिक रहा। समुचित जलापूर्ति करने हेतु पंप हाउस का भी निर्माण किया गया। इसके अलावा स्नानघर व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी सुनिश्चित किया गया। अखिल भारतीय संतपद सत्संग के वर्तमान स्वरूप एवं पूज्य सदगुरुदेव की आध्यात्मिक यात्रा का संपूर्ण विवरण पूज्य माताजी श्रीमती रूपवती देवी के जिक्र के बगैर अधूरा ही रहेगा। परमात्मा की महती कृपा से आपके साथ साथ
आपकी धर्मपत्नी पूज्या माताजी का आपके आध्यात्मिक जीवन में समुचित मेल रहा। परम पूज्य दत्ताजी महाराज ने आपको उपदेश देने के दूसरे वर्ष जुलाई 1949 में ही दूसरी पूजा वैद प्रदान की। इसी वर्ष आपकी धर्मपत्नी पूजा माताजी को भी वैद अता की गई। सदगुरुओं की श्रृंखला में पूजा माताजी के रूप में ये प्रकाश पुंज इस पृथ्वी पर 10 जनवरी 1922 को अवतरित हुआ था। परम पूज्य माताजी की आजीवन अपने आराध्य पतिदेव परम पूज्य परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज के साथ परछाई की तरह रहकर जनमानस में दिव्य प्रभु प्रेम संचारित करने के महान कार्य में अद्वितीय सहयोग प्रदान करती रही। पूज्य माताजी के जीवन दर्शन को देखने से प्रतीत होता है कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण जिन 3 प्रमुख साधनों से हुआ है वे है सेवा, त्याग और समर्पण। आप पूज्यवर भाई साहब जी के साथ सत्संग एवं सत्संग की सेवा में दिन रात जुटी रहीं। गर्मी की तपती धूप हो या सर्दी की कपाने वाली ठंड अथवा बरसात की मूसलाधार बारिश, हर दिन हर क्षण सत्संगी बंधुओं एवं जिज्ञासुओं के स्वागत सत्कार के लिए हमेशा तत्पर रहती। ये सब करते हुए आपको अपनी सुविधा असुविधा की रंच मात्र भी परवाह नहीं रहती थी। सेवा और त्याग की तो आप साक्षात मूर्ति थी। सत्संग के प्रति आपके अद्भुत समर्पण की कोई समकक्षता नहीं की जा सकती। पूज्य सदगुरुदेव की आध्यात्मिक उपलब्धि एवं अखिल भारतीय सतमत सत्संग के व्यापक विस्तार की पृष्ठभूमि में आपकी निष्ठा, समर्पण एवं सहयोग का जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। पीएनटी विभाग में सर्विस में रहते हुए परम पूज्य भाई साहब जी को विभाग प्रमुख ने बताया कि आपका नाम विदेश जाने के लिए रिकमेंड किया है, आपकी सहमति चाहिए। आपने तुरंत कह दिया कि मैं अपना निर्णय घर पर बात कर कल बताऊंगा, तो वह हैरान हो गए और समझाने लगे कि बहुत लोग जाने के लिए उत्सुक हैं, मैं आपको ही रेकमेंड करने जा रहा हूं, सुनहरा अवसर है। घर आकर आपने पूज्य माताजी को दफ्तर का सब हाल बताया और कहा कि मेरे सामने 2 ऑप्शन हैं, एक ये कि मैं विदेश चला जाऊं, पेमेंट बढ़ने से घर की जवाबदेहियां जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादियां आदि के खर्चे ठीक से पूरे हो सकेंगे। दूसरा, यहाँ रहकर मैं सर्विस के साथ सत्संग का कार्य कर सकूं, पर यहाँ जैसे चल रहा है इसी में गुजारा करना पड़ेगा। तब पूजा माताजी ने तुरंत कह दिया कि यहीं रहकर सत्संग का काम करें, विदेश जाने की जरूरत नहीं है, हम इसी हाल में गुजारा कर लेंगे, ईश्वर मालिक है। अतः भारत में ही रहकर उसी तनख्वाह में गुजारा किया। घर खर्च के साथ साथ सभी बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्रदान कराई और धूमधाम से सभी का विवाह भी संपन्न कराया। इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न राज्यों प्रांतों में सत्संग यात्रा और वार्षिक भंडारा अबाद गति से निर्विघ्न चलता रहा। पूज्य सदगुरुदेव जी भाई साहब जी स्वयं फरमाया करते थे कि भंडारे का सारा प्रबंध व काम तो माताजी ही करती थी। पूज्य माताजी का सौम्य, सहज व उदार व्यक्तित्व जितना सरलता उतना ही गूढ़ भी। आपके रहस्यमय एवं असाधारण व्यक्तित्व की गहराई को समझ पाने के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है वह साधारण व्यक्ति के बश की बात नहीं। प्रारंभ में आपके व्यक्तित्व की इस विलक्षणता की थाप आने में अधिकतर लोग असमर्थ रहे। परम पूज्य भाई साहब जी भी आपको घर परिवार में व्यस्त साधारण गृहिणी मात्र समझ रहे थे। जब आपके सदगुरुदेव श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज ने आपसे स्पष्ट शब्दों में फरमाया कि आप बेटी को क्या समझते हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें जो अच्छे अच्छे योगियों को भी दुर्लभ है इन्होंने सहज में ही पार कर ली है, पूर्ण ज्ञान है बस जुबान नहीं है, तो वे भी चकित रह गए थे। पूज्य माता जी के अंतिम दिनों की वाणी, सत्संग करते कराते रहना चाहिए, दुनिया में इससे अच्छा कोई काम नहीं है, आपके अंतःस्थल में स्थापित सत्संग प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा का घोतक है। पूज्य भाई साहब जी फरमाया करते थे, परमात्मा के प्यार का यदि कोई नमूना पृथ्वी पर है तो वह है माँ का प्यार। यूं तो माँ की ममता और प्यार अपने संतान तक ही सीमित रहता है,
जबकि पूज्य माता जी का स्नेह प्यार व करुणामयी ममता समस्त सत्संग परिवार ही नहीं अभी तो संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए थी। जो भी आपके संपर्क अथवा सानिकट्य में पहुंचा आपकी कृपा व करुणा का अधिकारी बना। एक भी साधक व जिज्ञासु आपकी ममता व वात्सल्य से वंचित नहीं रहा। सच्चा अध्यात्म तक तब प्राप्त नहीं होता जब तक वो जीवन में न उतर जाए। आप दोनों ने एक आदर्श गृहस्थ जीवन की मिसाल प्रस्तुत करी और सत्संग के सभी आदर्शों को जीवन में ढाला। हर आदर्श को पहले जिया और फिर कहा। आपका बच्चों को शिक्षा देने का ढंग भी निराला ही था। आपका मानना था कि बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं बहुत गलत करते हैं। आप स्वयं भी सदा इस बात का अनुपालन करते थे। इसका प्रमाण आपका अपने सुपुत्र अजीज दिनेश के साथ किए गए व्यवहार से मिलता है। उन्होंने माता जी के मना करने के बावजूद अलमारी से एक आना चुराकर दूसरी बार हिंडोला झूल लिया। आपके डांटने पर जब मना करके दिया तो आपके मन में ख्याल आया कि आज इसकी ऐसी मरम्मत मना दी जाए कि सारी जिंदगी याद रखे और चोरी ना करे। दूसरा ख्याल ये आया कि खुद को सजा दी जाए। दूसरी बात हृदय को अधिक अच्छी लगी, अतः दिन भर भूखे रहने का निर्णय लिया। ऑफिस से घर लौटने पर अजीज दिनेश ने अपनी गलती कबूल की और रो रोकर आपसे क्षमा मांगी तथा कभी चोरी न करने का वायदा किया। 1990 में एक या दो मौके ऐसे आए कि परम पूज्य भाई साहब जी ने महाप्रायण की इच्छा जाहिर की, परंतु परम पूज्य माता जी ने ये कहकर रोक दिया कि अभी सत्संग को और परिपक्व होने दीजिए। अखिल भारतीय सतमत सत्संग परम पूज्य भाई साहब जी के दिव्य व्यक्तित्व की छाव में उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता गया। संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से भगवत भक्त और श्रद्धालु समय समय पर आते रहे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होते रहे। आप सभी सत्संगी भाई व बहनों से अपने परिवार के सदस्य के समान प्रेम करते थे, इसलिए सत्संगी भाई व बहनों के बीच भाई साहब जी के नाम से जाने जाते रहे। आप फरमाया करते थे कि असली घर तो सत्संग है और घर तो घरौंदा है। सत्संग के सारे कार्य सेवक के रूप में करते और कहा करते थे कि ये सेवक तो मिट्टी का माधव है, सारा खेल तो इसके पूज्य सदगुरुदेव जी का ही है। आपने सत्संग के प्रचार व प्रसार हेतु उत्तर में हिमालय तथा जम्मू, दक्षिण में केरल व कन्याकुमारी तथा पूर्व में शिलांग, मेघालय व गुवाहाटी, आसाम तथा पश्चिम में गुजरात तक विभिन्न प्रदेशों में अनेक सत्संग केंद्रों की स्थापना कर सत्संग को पूर्ण रूपेण अखिल भारतीय का स्वरूप प्रदान किया। आप प्राय पूज्य दद्दा जी महाराज के निर्माण दिवस के अवसर पर लगभग एक माह का अवकाश लेकर सत्संग का प्रचार प्रसार भारतवर्ष में किया करते थे। प्राय दिल्ली, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, पटना, ग्वालियर, झांसी, जबलपुर, मुंबई, नवसारी, अहमदाबाद, अजमेर, उदयपुर, जयपुर इस यात्रा के पड़ाव होते, हर जगह सत्संग होता। सत्संगी भाई बहन मिलने आते, विदा करने आते, बीच में स्टेशन पर मिलने आते आते और अपने घर ले जाते, भोजन कराते। आप रात के 12 बजे के बाद सोते और प्रातः 5 बजे से पहले ही उठ जाते, फिर भी कभी जमाई तक नहीं आती। अनुपम आनंद का अनुभव करते और इस तलाश में रहते कि ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा। गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, शिलांग, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में सत्संग का प्रचार प्रसार हुआ। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि तक यह प्रकाश फैला। भंडारे के समय सत्संग के समागम में लघु भारत क्या वसुदेव कुटुंबकम के साक्षात दर्शन होते हैं। आपने संपूर्ण भारतवर्ष के ग्रामीण इलाकों के किसान भाइयों, गृहणियों से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग तक सभी जगह इस विद्या का प्रचार प्रसार किया। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली, जोनल ट्रेनिंग रेलवे स्कूल उदयपुर जैसे अन्य कई प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों में जाकर भी सत्संग कार्यक्रम आयोजित किए और वहां भी आपको विशिष्ट आदर सत्कार दिया गया। इस प्रकार आपने सभी वर्ग व समुदाय के लोगों को आनंद योग के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया।
आपकी आत्मा सत्संग में ही बसती थी। शुरू शुरू में दिल्ली में मीलों दूर साइकिल से ही सत्संग करने करवाने व प्रचार हेतु निकल जाया करते थे। हर एक हृदय तक, हर एक घर तक ये सत्संग कैसे पहुंचे, इसी की चिंता आपको रहती थी। आपने हिंदुस्तान का एक खाली नक्शा बना रखा था। जब जब दिल्ली से बाहर और प्रदेशों में सत्संग कराने जाते और सत्संग केंद्र स्थापित होते तो वापस आने पर उस नक्शे में उस स्थल का स्पॉट मार्क करते और बहुत खुश होते। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, सत्संग कार्यक्रम भी बढ़ते गए और वह नक्शा भरता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि भारत के लगभग सभी राज्यों में सत्संग केंद्र स्थापित हो गए और इस प्रकार सत्संग को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हो गया। कुछ जगह विदेशों में भी सत्संग केंद्र स्थापित हो गए हैं। आप कई बार कहा करते थे कि मान सम्मान एवं आदर मांगने या चाहने से नहीं मिलता, वह तो ईश्वरी कृपा से स्वयमेव ही मिलता है। मान सम्मान एवं आदर की चाह मत रखो, सत बिखरा पड़ा है, खूब सेवा करो और बटोर लो। सेवा को पहला दर्जा दिया है और अगर वह निष्काम हो तो कहना ही क्या, कोई मोल नहीं। आपका हृदय प्राणी मात्र के लिए करुणा एवं प्रेम से भरपूर था। आपके चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र ऑरा में प्रवेश करते ही साधकों के हृदय अनुपम शांति और आध्यात्मिक आनंद से भर जाते थे और स्पर्श से तो शरीर में स्पंदन होने लगता था। आपके सामीप्य व साथ में साधकों को ऐसा अनुभव होता था कि मानो किसी दिव्य लोक में पहुंच गए। सभी की ऐसी इच्छा होती थी कि हमेशा आपका सानिध्य अधिक से अधिक प्राप्त हो। एक अच्छे साधक थे श्री शंभुनाथ जी। उनका काम था महात्माओं साधुओं की खोज में लगे रहना, जिससे कहीं से कोई अच्छी चीज हासिल हो जाए। कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि घूमते रहते। बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन किए, ईश्वर इच्छा से वे बुलंदशहर पहुंचे और आपके पूजने चाचा जी श्री मोहनलाल जी के पास पधारे। उनको सत्संग में बैठकर बड़ा अच्छा लगता और सत्संग में आकर भ्रकुटी के अग्र भाग में स्पंदन होता। एक बार उनका भंडारे में जाना हुआ, वे आपसे बोले कि यहाँ भंडारे में बहुत आनंद आया और कहने लगे मैं एक महीना ठहरना चाहता हूँ, पर एक शर्त है कि आप मुझे कुछ दोगे। तब फिर आपने कहा कि मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो किसी और दरवाजे का भिखारी हूँ, भिखारी के पास क्या हो सकता है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। वे उसके बाद हिमालय की यात्रा पे गए, गंगोत्री यमुनोत्री तक पहुंचे, 100 साल की तपस्या करने वाले महात्माओं से मिले, उनसे बातचीत की और उनसे भी उनको यही उत्तर मिला कि वे स्वयं तो स्पंदन महसूस कर सकते हैं लेकिन दूसरों को नहीं करा सकते। शंभुनाथ जी ने कहा, ये तो मुझे भी होता है, मैं दिल्ली गया था, वहां पर तो बड़ी आसानी से हो जाता था। उन संत ने कहा कि ये उपलब्धि कठिन तपस्या की है, यहां से लौटे तो फिर एक बार फिर भंडारे पर आए। भंडारा जब हो गया और अनेक सत्संगी भाइयों से मालूम करना आरंभ किया तो अनेक भाइयों ने कहा कि हमारा तो ये सबका यहाँ यही अनुभव है, भंडारे में तो स्पंदन होता ही रहता है। उस समय उनकी स्थिति अच्छी हो गई थी, उनका माथा ठनका कि यहाँ तो कुछ विशेष बात है, यहाँ पर आज्ञा चक्र का स्पंदन एकदम शुरू हो जाता है। एक दिन वे सुबह आए तो आप दफ्तर जाने के लिए तैयार थे और आपको होम्योपैथिक से दवाई लेनी थी, इसलिए आप जल्दी निकल रहे थे। कोई 8 बजे का समय होगा, वे भी आपके साथ चलने को तैयार हो गए। बस में बैठकर वे देखते रहे, कभी आपके पैरों को, कोट पैंट को बड़े गौर से देखते रहे। वहां उनको कार्ड बनवाना पड़ा, नए कार्ड बनवाने में तकरीबन आधा घंटा लग गया। इस बीच में आप दोनों इंतजार में बैठे, वे फिर टकटकी लगाकर आपको देखने लगे। आखिर आपने पूछ ही लिया कि आप ऐसे क्या देख रहे हैं। अब उनको उत्तर का मौका मिला तो कहने लगे कि क्या कहूं, मैं हिमालय पर गया, ऊंचे ऊंचे महात्माओं से मिला तो सब यही कहते रहे कि हम ये अनुभव दूसरों को नहीं करा सकते, वे मेरे भ्रम को दूर नहीं कर सके, आप मेरे भ्रम को दूर करें। मुझे ये भ्रम है कि ये ड्रेस, बूट, रुमाल, पोर्टफोलियो बैग एकदम मॉडर्न, ये दफ्तर, ये बीवी बच्चे, कैसे संभव है कि इस स्थिति, जबकि बड़े बड़े महात्मा तपस्वी हार गए, उनको यह अवस्था नहीं मिली।
आपके पास कैसे है ये चीज? ये बहुत भारी भ्रम है। आप हिप्नोटाइज तो नहीं कर देते हैं? तब पूज्य भाई साहब जी ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो नहीं जानता कि हिप्नोटिज्म क्या है, लेकिन अगर ऐसा कोई मिल जाए जो मन को दुनिया से हटाकर परमात्मा की तरफ लगा दे तो क्या हर्ज है। ये विद्या तो हृदय में रखने वाली विद्या है। आपने कहा कि अभी और घूमो, शायद कहीं इससे ऊंची चीज मिल जाए। तो शंभुनाथ जी लाचार होके बोले कि अब मैं थक गया हूं। फिर आपने कहा, एक साधु है, संसार छोड़ता है, बीवी बच्चों को छोड़ता है, धन दौलत का त्याग कर देता है, जंगल की कुटिया में रहता है और भगवान का ध्यान करता है। उसका तो यही काम है। जिसके पास कोई काम नहीं, ऐसा व्यक्ति तो 24 घंटे भी ध्यान करे तो कौन सी बड़ी बात है। इसमें भी बहुत ही विरले हैं जो ध्यानावस्थित रहते हैं। परमात्मा की याद के सिवाय उनके पास तो कोई दूसरा काम ही नहीं। दूसरी ओर गृहस्थी है जो दुनिया से घिरा है। अगर गुरु कृपा से किसी की ऐसी हालत हो जाए कि चलते फिरते, सोते जागते, संसार के सब काम करते हुए परमात्मा की याद लगातार बन जाए तो कौन सी तपस्या बड़ी है। आपने उनसे कहा, ये सब प्रताप है गुरु महाराज का जिन्होंने हमारी ये हालत बना दी। ये तो मिट्टी का माधो है, ये तो उनकी कृपा का फल है कि यहाँ तो बैठते ही ऐसी हालत हो जाती है। प्रवचन हो रहा होता है और लोगों की हालत गहरे ध्यान की होती है। ये बुजुर्गों की कृपा है, केवल एकमात्र गुरु कृपा का खेल है। ये सब सुनकर शंभुनाथ जी बहुत ही प्रभावित हुए और बोले कि अगर ऐसा है तो इससे ऊंची साधना कोई नहीं है। ऐसे ही एक अन्य किस्से का जिक्र यहाँ किया जा सकता है। सन 1980 की बात है। गुजरात के धर्मपुर में श्री रघुनाथ जी के निवास स्थान पर सत्संग का आयोजन निश्चित हुआ। रघुराज जी भी बड़े भाई अरविंद आश्रम के सत्संग से जुड़े हुए थे। संयोगवश उनके सत्संग का कार्यक्रम भी इन्हीं दिनों निश्चित हो गया। परम पूज्य भाई साहब जी निश्चित समय पर रघुराज जी के निवास स्थान पर पहुंच गए और सत्संग प्रारंभ हो गया। इसी बीच अरविंद घोष के प्रिसेप्टर सुंदरम जी भी वहां पहुंच गए। उन्हें जब सत्संग समाप्त होने पर प्रसाद दिया गया तो उन्होंने वॉट प्रसाद कहकर लेने से मना कर दिया। इसके पश्चात उनका सत्संग शुरू हुआ तो परम पूज्य भाई साहब जी, पूजने माता जी और अन्य सत्संगी भाई बहन भी उनके सत्संग में जाकर बैठ गए। सत्संग के प्रारंभ में सुंदरम जी को परंपरा के अनुसार एक प्रार्थना का उच्चारण करना था तथा उसके पश्चात ध्यान व प्रवचन होना था। लेकिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी। सुंदरम जी प्रार्थना के कुछ प्रारंभिक शब्द ही बोल पाते और फिर परम पूज्य भाई साहब जी की ओर देखकर आंखें बंद कर लेते, फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान में चले जाते। यही क्रम उन्होंने कई बार दोहराया, लेकिन प्रार्थना पूरी नहीं बोल सके और अंत में बिना प्रवचन दिए ही सत्संग समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने परम पूज्य भाई साहब जी के साथ श्रद्धा पूर्वक बैठकर भोजन किया, जबकि उनका नियम था कि वह हमेशा एकांत में ही बैठकर भोजन करते थे। अगले दिन उन्होंने पूज्य भाई साहब जी के साथ एक ही कार में बैठकर वापसी का सफर पूरा किया। भविष्य में अवसर पाकर जब रघुराज जी से इस घटना का कारण पूछा तो सुंदरम जी ने कहा कि सत्संग में जैसे ही वे प्रार्थना की पहली पंक्ति बोलते थे तो उनको परम पूज्य भाई साहब जी के स्थान पर माँ का साक्षात दर्शन होता और गहरा ध्यान लग जाता था। बार बार प्रार्थना बोलने का प्रयास करने पर भी यही अनुभव होता था, साक्षात माँ की उपस्थिति में मैं कैसे प्रवचन देता, और ऐसे परम संत के साथ भोजन करना तो बड़े सौभाग्य की बात है। इस सेवक को जागृत अवस्था में ही उनमें अपने इष्ट के साक्षात दर्शन हुए। आपके संपर्क में जितने भी साधक आए आपसे प्रभावित हुए बिना न रह सके और अधिकतर तो हमेशा के लिए आपके हो गए। इनमें से बड़ौदा निवासी एक सन्यासी श्री बीडी महाराज थे। वे प्रकांड पंडित, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, संस्कृत एवं अनेक भाषाओं में धारा प्रभाव बोलने वाले, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ, आयुर्वेदाचार्य व बहुत विद्वान थे। वे किसी भी विषय पर घंटों धारा प्रभाव बोल सकते थे। वे राष्ट्रपति द्वारा गोल्ड मेडल से भी सम्मानित थे। उनका सत्संग में आना एक विचित्र संयोग था। उन्होंने
छह वर्ष की आयु में अपना घर गुरु की खोज में त्याग दिया था, लेकिन 55 वर्ष की आयु तक भी सफलता हाथ नहीं लगी। इन 49 वर्षों में हिंदुस्तान के अनेक मठों में, आश्रमों में भटके और हिमालय की दुर्गम कंदराओं से स्थित तांत्रिकों अघौड़ों के बीच भी रहे, परंतु सभी जगह पर कुछ ना कुछ कमी नजर आई, सांसारिकता नजर आई, अतः गुरु धारण न कर पाए। कहीं कहीं पर तो उन्हें जबरदस्ती शिष्य बनाने की कोशिश भी हुई, पर हर जगह से बचकर निकल भागे। बहुत भटके, अंततो गत्वा ईश्वर ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि गुजरात के सत्संगी भाइयों के साथ वह अनंतपुर भंडारे पर पधारे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दर्शन कर वह कृतकृत्य हो गए और हमेशा के लिए आपके हो गए। वे कहते थे कि साहब के दर्शन करते ही लगा जैसे सदगुरु की प्राप्ति हो गई। सत्संगी भाई बहनों से बीडी महाराज अक्सर कहा करते थे कि आप लोगों को सच्चा अध्यात्म बड़ी सहजता से प्राप्त हो गया है। मुझसे पूछो कि सच्चा अध्यात्म कितने कष्ट उठाने के पश्चात भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। इनको अपनी वाक्पटुता पर बहुत अहंकार था, लेकिन सदगुरु अपने भक्तों के अहंकार का पूर्ण रूप से मर्दन कर देते हैं। एक बार अनंतपुर वार्षिक भंडारे के पश्चात परम पूज्य भाई साहब जी ने रात्रि के समय वहां पर बचे हुए सभी सत्संगी भाई बहनों को अपने कक्ष में आमंत्रित किया और बीडी महाराज को किसी विषय पर कुछ बोलने के लिए कहा। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी आप कुछ नहीं कह पाए और हाथ जोड़कर अंततः यही बोले कि आपने मेरे अहम को नष्ट कर दिया। दूसरी पूजा बैच प्राप्त होने पर आप कहने लगे कि आज सभी शास्त्रों का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया है। आपने अपने आश्रमवासी भक्तों से स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यदि आप अपना सच्चा कल्याण चाहते हो तो परम पूज्य भाई साहब जी के सानिध्य में जाओ। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें अनेक महात्माओं ने अपने शिष्यों को परम पूज्य भाई साहब जी के दर्शन करने एवं सत्संग साहित्य का मनन करने भेजा। परम पूज्य भाई साहब जी ने ज्यादातर सत्संग साहित्य का सृजन ब्रह्म बेला में प्रातः 3:30 से 5:30 बजे के बीच किया। जब तक सब सोते तब आप उठकर किताबें लिखते, जब सब उठते तब आराम करते। कभी भी 3 घंटे से ज्यादा विश्राम नहीं किया। जब आप आनंद योग का सृजन कर रहे थे तब कभी कभी आप आर्य अग्रवाल जी के यहाँ चले जाते थे, कभी उन्हें यहाँ अपने यहाँ बुला लेते थे। किसी भाई ने तो ये भी कहा कि आपके यहाँ बच्चे छोटे हैं बट डिस्टर्ब करते हैं, इस वजह से आपको अग्रवाल जी के यहाँ आनंद योग पर काम करने के लिए जाना पड़ता था। जबकि ऐसा नहीं था, आपका प्रयास यही था कि कैसे सच्चे साधक को अध्यात्म पद पर अग्रसर कर सके, और वे आपने पूरा किया। इस तरीके से वे सत्संग का प्रचार प्रसार किया करते थे। संत जनों की बड़ी विचित्र लीला है, वे साधकों को उनके जिज्ञासा अनुरूप कार्य सौंपकर उन्हें तवज्जा देते हैं ताकि बड़ी आसानी से साधक अपने साधना पद पर अग्रसर हो सके। अब ये साधक की दक्षता और इच्छा पर निर्भर है कि वह इस प्राप्त ऊर्जा का कैसे उपयोग करता है। आप इस बात पर भी जोर दिया करते थे कि साधक को पत्ताचार के माध्यम से भी अपने गुरुदेव के संपर्क में रहना चाहिए, वह अपनी हालत व हाल उन्हें सूचित करते रहना चाहिए। जितने भी जिज्ञासु साधक आपको पत्र लिखा करते थे, आप हर एक पत्र को पढ़ते या सुनते थे और हर एक पत्र का जवाब देते थे। पत्र चाहे एक हो या 1,000, आप अपने हाथों से उस पर हस्ताक्षर किया करते थे। आपका प्रयास यही रहता था कि चाहे देर से ही सही, लेकिन हर एक पत्र का जवाब साधक को दिया जाए। आप कहा करते थे कि साधकों को गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए व गुरु से संपर्क रखते हुए निरंतर अभ्यासरत रहना चाहिए। गुरु अपनी तवज्जह से वक्त और जरूरत के अनुसार सहायता किया करते हैं, इसमें समय और दूरी का कोई बंधन नहीं होता। एक सच्चा साधक हृदय से ही बात करता है, द्वंद या दुविधा नहीं होनी चाहिए, अंदर बाहर एक जैसा। गुरुदेव तो निरंतर कृपाधार बरसाते रहते हैं, परंतु साधक के मनमत होने से कृपाधार आ आकर लौट जाती है, वांछित फल नहीं मिलता, फिर शिकायत अनुभव न खुलने की करते हैं। वे कहा करते थे
जब परमात्मा की असीम दया व कृपा से साधक के हृदय में उसका प्रेम जज्बा जागृत हो जाए, तब उसे चाहिए कि त्याग की कैंची से उस लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा न हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का। ये सब त्याग हमें अपनी लौ को कायम करने में मदद करते हैं। सबसे ऊंचा त्याग है मन का। उसकी याद की लौ हृदय में निरंतर जलती रहे। जब हृदय का दीपक जल जाता है, तब वह और हृदय को रोशन करता है। एक चिराग से अनेक चिराग जलते हैं। मार्च 2000 के दूसरे सप्ताह में परम पूज्य सदगुरुदेव जी अधिकतर समय ध्यान की गहरी अवस्था में रहते थे। जब कभी कोई बात करता या कुछ पूछता तो उचित उत्तर दे देते और फिर पूर्ववत समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते। ध्यान की इस गहरी अवस्था में ही आपने संत सुधा के सारे कार्य पूर्ण करवाए। विशेष समाचार लिखवाते समय आप और अधिक गहरे ध्यान में चले जाते। आप बार बार कहा करते थे कि इस सेवक का काम पूरा हो गया है, अब तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब अपने प्रियतम से मिलन होगा। आप भी इस सेवक के लिए प्रार्थना किया करें कि वह अंत समय में परम पिता परमात्मा में पूर्णतः विलीन हो जाए। यही उद्धार आप पिछले कुछ वर्षों से भंडारे की समाप्ति पर श्रद्धांजलि के पश्चात प्रकट करते थे। सभी काफी समय से परम पूज्य भाई साहब जी के श्रीमुख से ऐसा सुनने के अभ्यस्त हो चुके थे, इसलिए उनके इशारे को ठीक से न समझ सके। कौन जानता था कि सन 2000 के वार्षिक भंडारे से पहले ही आपने महाप्रयाण की तैयारी कर रखी थी। आप ये भी बार बार फरमाया करते थे कि जिन साधकों का विश्वास कायम रहेगा, ये सेवक जाने के बाद भी केंद्र से जुड़े रहेंगे और उनके लिए ये सेवक हमेशा जीवित रहेगा और उन्हें कोई अंतर महसूस नहीं होगा। एक दिन कुछ लोगों की उपस्थिति में आपने फरमाया कि कुछ साधु महात्मा जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, कुछ अग्नि समाधि लेकर भस्म हो जाते हैं और कुछ अनशन के द्वारा शरीर त्याग कर देते हैं। क्या यह उचित है? क्या यह एक प्रकार की आत्महत्या नहीं है? सबसे उत्तम तो यह है कि सामान्य रूप से प्रभु की इच्छा अनुसार अपने प्रियतम की गहरी याद में इस शरीर को छोड़ा जाए। 2 अप्रैल 2000 की सुबह आप बहुत प्रसन्न थे। नाश्ते के पश्चात आपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाया, बच्चों को चुटकुले सुनाए और सभी को बहुत प्यार कर आशीर्वाद दिया। परिवार के लोगों से काफी देर तक बातचीत करते रहे। इसी बीच साधकों के प्रश्नोत्तर, संसुधा का मैटर और संस्था से संबंधित पेपर पूरे करवाए। कोई कार्य पेंडिंग नहीं छोड़ा। कोई भी उनके महाप्रयाण की तैयारी के इस आशय को समझ न सका और 3 अप्रैल 2000 की प्रातः केला में इस पंच भौतिक देह को बड़ी सहजता से त्याग कर अपने प्रियतम में पूर्णतः विलीन हो गए। ज्योति अखंड ज्योति में विलीन हो गई। आपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर हम सबके समक्ष एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया। आप शरीर से अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन सब बंधनों से मुक्त हो जाने के कारण आत्मिक रूप से अब हमारे और निकट हो गए। आपकी आत्मिक सुधाधार अनवरत रूप से प्रभावित होकर अनंत काल तक साधकों के हृदयों को सींचती रहेगी। उनके द्वारा समय समय पर दिए गए मार्गदर्शनों एवं विचारों का सार यही है कि उन्होंने अपने सिलसिले के सद्गुरुओं की उस मंशा को पूरा किया जिससे सिलसिले के बुजुर्गों का नाम संसार में रोशन हो। दत्ताजी महाराज के शब्दों में अजीत से मिशन की तरक्की होगी तो सार्थक किया। आपके इस धराधाम से पर्दा कर लेने के पश्चात अनंतपुर स्थित संत यशरूप तपोभूमि परिसर में संत यशपाल समाधि स्थल का निर्माण किया गया है, जहां पर पहुंचकर आज भी साधकों को उसी अनुपम शांति, आनंद व फैज की प्राप्ति होती है जो कि आपके श्री चरणों में बैठकर हुआ करती थी। पूज्य भाई साहब जी ने अपनी साधना काल में अपने पूज्य सदगुरुदेव महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी के दिए हुए उपदेशों, प्रवचनों, संदेशों व अभ्यास के सूक्ष्मतर गुरों को
श्री ब्रजमोहन वचनामृत के 5 भागों में प्रस्तुत किया है। आधुनिक जीवन शैली में तनाव रहित जीवन यापन करने के साथ साथ अध्यात्म की उच्चतम स्थिति अर्थात जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए श्री ब्रजमोहन वचनामृत पूज्य भाई साहब जी की एक अमूल्य देन है, जिसे क्रियात्मक आध्यात्मिक साधना का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जा सकता है। पूज्य सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे, हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुरु छोड़ जाता है। एक व्यापारी है अपनी संतान के लिए गुरु छोड़ जाता है, उसकी संतान को व्यापार चलाने में अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो वह उसके लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसको अपना क्लिनिक दवाखाना चलाने में दिक्कत नहीं आती है। इस कथनानुसार आपने अपने सदगुरुदेव के अमृत भरे उपदेशों संदेशों और जीवन घटनाओं को श्री ब्रजमोहन वचनामृत के 5 भागों में, आनंद योग हिंदी व अंग्रेजी 2 भागों में, आनंद योग साधना पद्धति हिंदी व अंग्रेजी जैसे अद्भुत ग्रंथों की रचना की, ताकि साधक व श्रद्धालु जन आसानी से आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण कर सके। आपने अष्टावक्र गीता और गीता सुधा के हिंदी व अंग्रेजी में भाष्य प्रकाशित किए। इसके अलावा परंपरा के सदगुरुओं परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा लिखित ग्रंथों को संपादित कर प्रकाशित करवाया। आपने त्रैमासिक आध्यात्मिक पत्रिका संत सुधा का भी प्रकाशन आरंभ करवाया, जिसके माध्यम से आध्यात्मिक सूत्रों व अनुभवों तथा गृहस्थ साधना पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों की विषय वस्तु समय समय पर जन साधारण श्रद्धालुओं एवं साधक को उपलब्ध होती रहे। आध्यात्मिक साहित्य के सृजन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन बनाने के लिए आप इस ब्रह्म विद्या का निरंतर अबाद रूप से प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में करते रहे। आपने सत्संग आश्रम अनंगपुर में अपने आराध्य पूज्य सदगुरुदेव महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज की याद में सेंट ब्रजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की, जो कि अब CBSE से मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त आत्मिक उत्थान हेतु आध्यात्मिक शिक्षा का कार्यक्रम चलता रहता है। इसी प्रकार सत्संग आश्रम के पास ही आपने सेंट ब्रजमोहन लाल अस्पताल एवं सेंट ब्रजमोहन लाल आध्यात्मिक निकेतन की भी स्थापना की। ये सब कार्य आपके अनुपम सद्गुरु प्रेम श्रद्धा व निष्ठा तथा लोक कल्याण की भावनाओं के प्रतीक हैं। एक बार सीसी कॉलोनी में सत्संग के पश्चात पूज्य भाई साहब जी सत्संगी भाइयों से अपील कर रहे थे कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को मुंबई भंडारे में जाना चाहिए। एक वरिष्ठ सत्संगी भाई ने पूछ डाला, भाई साहब जी आप इस बार मुंबई भंडारे में जाएंगे ना? जो भाई साहब जी ने कहा, ये जानने से आपका क्या मतलब है? सेवक के जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है? वे सज्जन बोले, साहब आपके जाने पर बात कुछ और ही होती है। हमें तो तभी वहां जाना अच्छा लगता है जब आप वहां पर होते हैं। पूज्यपाद भाई साहब जी का चेहरा तमतमा उठा, क्रोध स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर झलक रहा था। वे एकदम ऊंची आवाज में बोले, लोग 40-40 साल से सत्संग में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उसी जगह खड़े हैं जहां से चले थे। उनमें कोई बदलाव नहीं आया। कौन सी ऐसी जगह है जहां ये सेवक नहीं है? इतना बोलकर वे एकदम शांत हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने सद्गुरुओं की असीम क्षमता एवं सर्वव्यापकता का अल्पमात्र भी आभास नहीं होता। अपनी सीमित बुद्धि से उनका आकलन करने की चेष्टा करने लगते हैं और जीवन का अमूल्य समय घोर संशय व दुविधा में पड़कर विनष्ट कर देते हैं। आपने संस्था को आश्रम तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु स्कूल हॉस्पिटल मानव सेवा संबंधित गतिविधियां शुरू से करवाई। आश्रम से संलग्न हाउसिंग सोसाइटी श्री ब्रजमोहन आध्यात्मिक निकेतन को मात्र इसी उद्देश्य से अप्रूव किया था कि इसमें बनने वाले घरों को कुटिया की संज्ञा दी जाए, जहां सत्संग परिवार के सदस्य रहकर आश्रम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग कर सकें और निस्वार्थ रूप से सेवा कर सकें एवं दुनिया में एक आदर्श स्थापित कर सकें। साथ में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे जिससे प्राप्त जगह का दुरुपयोग न होने पाए,
या ऐसे हाथों में न चली जाए जिससे सत्संग के उद्देश्यों व आश्रम व्यवस्था में कोई आंच आए। परम पूज्य भाई साहब जी ने अपने उद्दार व्यक्त करते हुए कहा है, इंशाअल्लाह यह खूब फैलेगा, हमारा आखिर बहुत अच्छा है, ऐसा दादाजी महाराज फरमाते थे। शायद आप बहुत दूर भविष्य को देख रहे थे, विचार कर रहे थे एक बहुत विशाल आध्यात्मिक नगर का, एक बड़े विशाल सत्संग का। दिनांक 29 जुलाई 1996 को युवा सत्संगी भाइयों की सभा को संबोधित करते हुए पूज्य भाई साहब जी ने कुछ बातें इशारतन बताई। आप कहा करते थे कि कोई भी संस्था बगैर धनराशि के नहीं चलती, अतः सत्संग व आश्रम व्यवस्था के लिए स्वैच्छिक धनराशि केवल सत्संगी भाई बहनों से ही स्वीकार्य है और स्कूल, हॉस्पिटल एवं मानव सेवा आदि हेतु स्वैच्छिक सहभाग राशि गैर सत्संगी भाइयों से भी ली जा सकती है। परंतु साथ में हमें ये भी याद रखना होगा कि इस दान को चंदे के रूप में न लिया जाए और न ही अनिवार्य तौर पर धन की मांग की जाए। वस्तुतः अपने घर का उत्तरदायित्व हम पर भी होता है। जो सत्संग को अपना समझते हैं, वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करते हैं। चंदा बाहर दिया जाता है, घर में नहीं। पूज्य भाई साहब जी ने फरमाया कि हमारे यहाँ सदगुरु एक है, सत्संग एक है, उद्देश्य एक है, अतः कूटनीति और दल बंदी की बू नहीं आनी चाहिए। आपने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए बताया कि युवावस्था के लोग हमारे सत्संग में इतनी ज्यादा संख्या में हैं कि सत्संग का भविष्य हमें उज्जवल लगता है और हमारे ये सत्संग अवश्य ही फलेगा फूलेगा, क्योंकि युवा स्वच्छ हृदय होते हैं और यदि राम नाम युवावस्था में पकड़ बन जाए तो जब शरीर वृद्ध हो जाता है और इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और उस समय सत्संग की अत्यंत आवश्यकता होती है तो स्वभावतः ही परमात्मा की याद रह रहकर आती है और आत्मा का आनंद मिलता रहता है, जो बड़े बड़े संतों और योगियों को भी दुर्लभ है। अखिल भारतीय सतपथ सत्संग की इस श्रृंखला के सभी गृहस्थ संत और सदगुरु गृहस्थ धर्म का शास्त्रानुकूल पालन करते हुए अपनी आजीविका का स्वयं उपार्जन करने वाले रहे हैं। अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान होने पर भी अखिल भारतीय सत्संग के संतों ने अपनी सरलता और सादगी से अपने को बढ़ा आडंबरों से दूर रखा, अपने आप को गुरु कहलाने से भी परहेज किया। किसी ने गुरु कह के संबोधित किया तो द्रवित होते हुए कहते, भाई हमने ऐसी कौन सी गुरुवाई दिखाई, इसलिए हमारे यहाँ पर लाला जी, चचा जी, दद्दा जी, भाई साहब जी या भैया जी का संबोधन किया जाता है। इससे कौटुंबिक वातावरण बराबर बना रहे तथा साधक निर्भीक होकर अपनी बात रखने में कभी नहीं हिचकिचाए। इन संतों से यद्यपि अनेकों आश्चर्यजनक कार्य और घटनाएं हुई, परंतु वे सदा ही इन बातों से बचते रहते थे। ईशा यह कहकर टाल दिया करते थे कि मालिक कुल अखंड ब्रह्मांड नायक को अख्तियार है कि वे जो चाहे सो करे। साधकों को पुरुषार्थी बनकर जीवन यापन करना चाहिए, ना कि किसी चमत्कार की आशा में। संस्कार भोग से कोई बच नहीं सकता। अपने गुरु में इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि उनकी नेगा बानी है, वे संस्कार भोगों को आसानी से भुगतवा देंगे। सत्संग का पूरा कार्यभार पूज्य भाई साहब जी ने अपने रहते हुए ही पूज्य सुरेश भैया जी को सौंप दिया था और पूज्य सुरेश भैया जी भी सारी सत्संग की गतिविधियां पूर्ण रूपेण भाई साहब जी के संरक्षण में शुरू से करते रहे। दिल्ली स्थानांतरण होने के बाद कोई भी सत्संग की गतिविधियों एवं कार्यक्रम होते तो पूज्य भाई साहब जी यही फरमाते कि सुरेश भाई से पूछें, वे जो कहें बेझिझक कर डालें। परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज की अप्रैल 2000 में महासमाधि के पश्चात परम पूजनीय भैया जी ने अखिल भारतीय सतपथ सत्संग को किस प्रकार नए आयाम दिए और असंख्य कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए सत्संग को वर्तमान स्वरूप दिया है, ये सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। परम पूज्य भैया जी द्वारा सत्संग का संचालन व संगठन बुजुर्गों द्वारा स्थापित तरीकत और परंपराओं के अनुरूप हूबहू जारी है और बुजुर्गों की इस तरीकत को
आपने बिना किसी परिवर्तन के कायम रखा हुआ है, जिसके फलस्वरूप सत्संग कार्यक्रमों में भरपूर फैज की बारिश होती है और आशातीत सत्संग लाभ सभी को प्राप्त होता है। परम पूज्य भैया जी, परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज के मिशन के प्रचार और प्रसार हेतु पूर्ण संकल्प से समर्पित हैं और आज पूज्य सुरेश भैया जी के सानिध्य व सत्संग में हजारों साधक आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य सतगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज एवं आपकी सहधर्मिणी, सहयोगी व अनुगामिनी श्रीमती रूपवती देवी जी, पूज्य माता जी के द्वारा रोपित व संस्थापित इस अखिल भारतीय सत्संग के अक्षयवट को आजीवन हम अपने अथक प्रयासों से अनवरत सिंचित कर इसे विशाल वृक्ष का स्वरूप प्रदान करेंगे। पूज्य सतगुरुदेव जी एवं पूज्य माता जी परमात्मा में एकाकार होकर अपने सदगुरुओं के प्रकाश पुंज से वृक्ष को पल्लवित व पुष्पित कर जगत को विश्राम, शांति एवं अनेक दिव्य फल प्रदान करते रहेंगे। तो आइए पूरी श्रद्धा से हम उन्हें नमन करें और अपनी श्रद्धांजलि उनके चरण कमलों में अर्पित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ये याद रखना चाहिए कि संत महात्माओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उनके पदचिन्हों पर चलना और उनके आदर्शों का अनुसरण करना होता है। अतएव परमात्मा एवं सद्गुरुओं से प्रार्थना है कि हम सभी को शक्ति प्रदान करें ताकि उनका अनुसरण कर हम शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकें और मानव जीवन को धन्य बना सकें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तुम दूर सही हम से लेकिन जलवे तो नजर से दूर नहीं, दुनिया में उजाला है तुमसे किस सह पे तुम्हारा नूर नहीं, इस डूबने वाले दिल पे करम एक बार तुम्हारा हो जाए। तूफान की धड़कन रुक जाए, हरे रोज किनारा हो जाए। चाहो तो बदल दो तकदीरे मुख तार हो तुम मजबूर नहीं, दुनिया में उजाला है तुमसे किस सह पे तुम्हारा नूर नहीं, तुम दूर सही हम से लेकिन जलवे तो नजर से दूर नहीं, इस टूटे दिल की फरियादे इस टूटे दिल की फरियादे तुमसे न कहूँ तो किस से कहूँ, इस दुनिया के सब जुल्म सितम कब तक तो मैं इस दिल पे सहूं, इस दुनिया के सब जुल्म सितम कब तक तो मैं इस दिल पे सहूं।
सिजदा भी करें शिकवा भी करें, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। तुम दूर सही हम से लेकिन जलवे तो नजर से दूर नहीं। सिजदा भी करे शिकवा भी करे, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे किस सह पे तुम्हारा नूर नहीं। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि जब उनके बताए हुए रास्ते पर कदम ब कदम उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चले, कभी स्वप्न में भी उस रास्ते से डिविएट ना हो, इधर उधर ना हो। परमात्मा से यही प्रार्थना है, जो आप अपने हृदयों में प्रभु प्रेम परमात्मा का प्रेम ईश्वर भक्ति भर के ले जा रहे हैं, वो दिन दूनी बढ़े रात चौगनी बढ़े और ये प्रकाश भारत में नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैले। परमात्मा सुई है। तेरे दरबार की आले निराली शान देखे, सदाकत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। झुकाया जिसने भी सर को, झुकाया जिसने भी सर को, तेरे द्वारे पे मालिक तुझे देता नहीं देखा, मगर जो होली भरी देखी तुझे देता नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। हम रोज तसव्वुर में उनकी तस्वीर बनाया करते हैं, हम रोज तसव्वुर में उनकी तस्वीर बनाया करते हैं, तस्वीर बना कर फिर अपने सीने से लगाया करते हैं। उस मस्त नजर का क्या कहना, जिस पर भी पड़ी मदहोश हुआ। उस मस्त नजर का क्या कहना, जिस पर भी पड़ी मदहोश हुआ। रिंदों को वो मैं सागर से नहीं, नजरों से पिलाया करते हैं।
रिंदों को वो मैं सागर से नहीं, नजरों से पिलाया करते हैं। है सब से जुदा मंजिल अपनी, समझेगी भला दुनिया क्या तू है सब से जुदा मंजिल अपनी, समझेगी भला दुनिया क्या तू सर अपना हम अपने आका के कदमों में झुकाया करते हैं। सर अपना हम अपने आका के कदमों में झुकाया करते हैं। दास फसाना कैसे कहें, कम वक्त जुबा खुलती ही नहीं। दास फसाना कैसे कहें, कम वक्त जुबा खुलती ही नहीं। नजरों के मुकाबिल जब अपने हम यार को पाया करते हैं। नजरों के मुकाबिल जब अपने हम यार को पाया करते हैं। हम रोज तसव्वुर में उनकी तस्वीर बनाया करते हैं। तस्वीर बनाकर फिर अपने सीने से लगाया करते हैं। जिन साधकों का विश्वास कायम रहेगा इस सेवक के जाने के बाद भी, उन साधकों के लिए यह हमेशा जीवित रहेगा और उन्हें कोई अंतर महसूस नहीं होगा।